सरकारी स्कूलों की शिक्षण व्यवस्था की खुली पोल, विद्यालय में झाड़ लगाते बच्चों का वीडियो वायरल, जहां बीएसए बोले विद्यालय में बच्चों का झाड़ू लगाना कोई गलत बात नहीं। बच्चों का आरोप, कभी भी समय से विद्यालय नहीं पहुंचते शिक्षक। सरकार द्वारा परिषदीय विद्यालयों की दशा सुधारने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। कायाकल्प योजना से करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षकों और शिक्षण को आधुनिक रूप दिया जा रहा है। इसका मकसद सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को कॉन्वेंट जैसी सुविधा मिल सके, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग की लचर कार्यप्रणाली से सरकार के तमाम प्रयास विद्यालयों में दम तोड़ते दिख रहे हैं। दरअसल मामला नौगांव विकास खंड के बाराडांड प्राथमिक विद्यालय का है, जिस स्कूल में दो छात्राएं अलग अलग कक्षाओं में झाड़ू लगा रही हैं। वायरल वीडियो में छात्रा ने ये भी बताया कि यहाँ 5 शिक्षक तैनात हैं, लेकिन समय से कोई भी विद्यालय नहीं पहुँचता। विद्यालय में प्रार्थना भी कभी कभार ही होती है। इस पूरे मामले का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि सूचना नेटवर्क न्यूज चैनल नहीं करता। वहीं पूरे मामले में बीएसए हरिवंश कुमार का कहना है कि वीडियो की बात उनके संज्ञान में आई है। विद्यालय में बच्चों का झाड़ू लगाना कोई गंभीर विषय नहीं है, लेकिन समय से अध्यापकों का विद्यालय नहीं पहुँचना ये गंभीर विषय है। मामले में जाँच के आदेश दिए गए हैं।